हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनी टेक सपोर्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 360 वीडियो के बारे में कि हम अपने मोबाइल से किस तरह बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 360 वीडियो और मैंने ये अपने मोबाइल से बनाई है। और मोबाइल से बनाने के लिए आप किसी भी मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी मोबाइल बड़े आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल मोबाइल नहीं लेना, आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, बस सिंपल कैमरा आपके मोबाइल का जो आप यूज़ करते हैं वही कैमरा आपको यूज़ करना है और वही मोबाइल यूज़ करना है और वही सारी सेटिंग यूज़ करनी है। सिर्फ इसमें एक दो टिप्स आपको फॉलो करने हैं और वो टिप्स क्या होते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो जो थी दोस्तों वो थी कि 360 वीडियो क्या होती है और हम इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं, पीसी की स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने मोबाइल से 360 वीडियो को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से उस वीडियो को बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसी के रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 360 वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल से ये वीडियो को बना सकते हैं और बनाने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वीडियो को मैंने एज ए टेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम यहाँ पर बड़े आसानी के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि हम अगर किसी जगह पर खड़े हुए हैं, चाहे अपने रूम के अंदर हों या चाहे गार्डन के अंदर हों, चाहे किसी भी जगह पर हों, हम उस एरिया की कुछ फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल के साथ कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करने के बाद अपने दोस्तों को उसको भेज सकते हैं कि हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो एक ही फ़ोटोज में हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये 2 या 3 MB के अंदर ही सारी वीडियो की आपकी फ़ुटेज होती हैं वो आ जाती हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं और ये सीख लेते हैं कि हम ये वीडियो को किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल की तरफ लेके चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है एनी टेक सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको बड़े आसानी के साथ मिल जाए ताकि वो वीडियो भी आप बड़े आसानी के साथ देख सकें और उसको भी सीख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं सिंपली अपने कैमरे के ऑप्शन पर जाता हूँ। कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। सिंपली हमें कैमरे के मोड पर क्लिक करना होता है। आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग दूसरी भी हो सकती है। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें मोबाइल की जो कैमरा सेटिंग होती है, कैमरा सेटिंग के अंदर हमें जाना होता है और हम जो सबसे नीचे लास्ट में जो देख रहे हैं सराउंड शूट, दोस्तों हमें इस सराउंड शूट के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। और दोस्तों अगर ये कभी कभी हमें ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो हम इस ऑप्शन को देखने के लिए हमें जो राइट कॉर्नर में डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कैमरे के सारे मोड यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और यहाँ ओपन होने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सराउंड शॉट का ऑप्शन मेरे सामने और मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे और इसी ऑप्शन के जरिए हम अपनी वीडियो को कैप्चर करेंगे। सिंपली हम दोबारा कैमरे के मोड में जाते हैं और सराउंड शॉट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन हो जाता है जो कि हम एक सर्कल देख रहे हैं और सर्कल के अंदर एक बॉल देख रहे हैं। जैसे ही हमारी बॉल सर्कल के अंदर जाती है हमारी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। हमें थोड़ा सा मोबाइल को टिंट करना होता है, यानी एक झुकाना होता है, एक साइड को ले जाना होता है और ये ऑटोमेटिक हमारा मोबाइल फ़ोटो ले लेता है उस जगह की फ़ोटो। यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सब तरफ को घूम के उस एरिया की फ़ोटो ऑटोमेटिकली जो कि सेव हो रही हैं और ये सिंगल फ़ोटो में सारी अटैच हो रही हैं। और जो लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे नीचे की तरफ जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक 360 बॉल नज़र आ रही है और उस बॉल के ऊपर हमारे सामने कुछ ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है। ब्लू स्क्रीन मतलब जो भी हम फ़ोटो को कैप्चर करते हैं वो फ़ोटो हमारा ब्लू स्क्रीन हो जाता है और हम बड़े आसानी के साथ ये अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं कि हमारी फ़ोटो कितनी हो चुकी हैं और कितनी फ़ोटो अभी हमारी और बाकी रह गई हैं और कौन सा एरिया बाकी रह गया। ये दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, आपको सिर्फ़ अपने मोबाइल को घुमाना है और फ़ोटो को लेते जाना है और ये फ़ोटो जब तक लेते जाना है जब तक आपकी पूरी बॉल ग्रे कलर से ग्रीन कलर में नहीं चेंज हो जाती है। जब आपकी बॉल ग्रे कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है इसका मतलब आपकी वीडियो, आपने सब तरफ की फ़ोटेज ले ली हैं और आपकी 360 वीडियो रेडी हो चुकी है अपलोड करने के लिए, देखने के लिए, वॉच करने के लिए और सेंड करने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कैमरे की ऑप्शन है और इसको आप आसानी के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी भी सिंपल मोबाइल में और किधर भी आप इसको बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 360 वीडियो के लिए जितनी भी मेरी फ़ुटेज थी नेसेसरी फ़ुटेज मैंने कैप्चर कर ली हैं, और कैप्चर कर लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का ब्लू और वाइट तरीके का जो सर्कल और बॉल सी बनकर आती है ये यहाँ पर देख सकते हैं। और राइट साइड में कॉर्नर पर हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, और ये प्रोसेसिंग चलने में 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है कि ताकि पूरी वीडियो फुल तरीके से अटैचमेंट हो सकें, कंबाइंड हो सकें, उसके बाद में हमारा फ़ोटो, हमारा ये जो वीडियो है वो देखने के लिए रेडी हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो थी वो रेडी हो चुकी, और अब हम इसको देखते हैं कि गैलरी में चल के ये रियली वीडियो हमारी किस तरह की दिखाई देगी और कैसी वीडियो हमारी बन चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी वो फ़ोटोज़ थी, वो वीडियोस थी जो कि मैंने कैप्चर की हैं, और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये वो मेरी 360 वीडियो है। और यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सारी फ़ोटोज़, सारी कैप्चर्ड, सारे इमेज अपने ले लिए हैं, और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये सब सीख लिया होगा कि किस तरह से हम 360 वीडियो बना सकते हैं और किस तरह से अपने फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।